हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मास्टर नीटिंग। आज मैं आपके लिए सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, आप इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए या लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो चलें इसे बनाते हैं। फ्रेंड, इसमें 26 फंदे हैं और ये चार चार करके, ये चार फंदों से ये डिज़ाइन बनता है, चार चार फंदों से डिज़ाइन बनता है। तो पहला फंदा हम ऐसे ही निकालेंगे और ये जो है, अब देखिए, ये जो पहले से दूसरा जो फंदा है, इसमें हम इसको इसको इस तरीके से पहले से बीनेंगे और इसे ऐसे निकालेंगे और फिर अब हम पहले वाले फंदे को बीनेंगे और पीछे, अब हम पीछे से बीनेंगे। तो पीछे से हम सेकंड फंदा पहले बीनेंगे, इसको ऐसे करके बीनेंगे और अब हम फर्स्ट वाला फंदा बीनेंगे। फिर से हम फर्स्ट वाला फंदा, ये सेकंड वाला फंदा बीनेंगे, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे इसको आगे से ऐसे बीनते हुए, फिर पहले वाले फंदे को बीनेंगे। तो दो फंदे हमने ये आगे से बीने हैं, अब हम पीछे से बीनेंगे। पीछे वाले से हम पीछे वाला लेंगे, पहले इसे बीनेंगे और फिर आगे वाले फंदे को। तो ऐसे ही हमारा सब ये जो फंदे हैं, ऐसे इसको ऐसे ही बनाएंगे हम। दो फंदे हम आगे से, दो फंदे पीछे से। तो चार फंदों से ही ये डिजाइन बनता है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे जेंट्स कार्डिगन में डालिए या लेडीज स्वेटर में डालिए, सब में ये बहुत सुंदर लगता है। एक फंदा आगे से, पहले हम आगे से बीनेंगे, फिर हम इसको बीनेंगे फर्स्ट वाले को, और एक फंदा पीछे से, पीछे से सेकंड वाला पहले बीनेंगे और फिर फर्स्ट वाला इस तरह से बीनेंगे। और एक फंदा हमने किनारे के लिए लिया है, तो हम इसको ऐसे बीन के निकालेंगे। अब हमारी सेकेंड रो है, सेकेंड रो हमारी पूरी उल्टी जाएगी। हम इसको सिंपल बीनेंगे इसी तरीके से, तो मैं ये उल्टी रो पूरी कर चुकी हूँ। अब हम इसके सेकेंड थर्ड रो बीनेंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए, जो फंदा हमने आगे से बीना था, उसको हम इस बार पीछे से बीनेंगे। पहले हमने आगे से बीना था, अब हम पीछे से पहला फंदा, दूसरा फंदा बीनेंगे और उसके बाद पहला फंदा बीनेंगे। और इसको हमने पीछे से बीना था, अब हम इसको आगे से बीनेंगे। थोड़ा सा हाथ को लूज रखेंगे, फिर हम इसको ऐसे बीनेंगे। तो देखिए, एक ये बेल जैसी तैयार हो गई है। इसको हमने आगे से बीना था, अब हम पीछे से बीनेंगे। एक बार आगे से और एक बार पीछे से, ऐसे ही इसका डिजाइन बनेगा। और फिर हम सेकंड वाला बीनेंगे। इस तरीके से हम इसकी थर्ड रो पूरी कंप्लीट करेंगे।
जो फंदा हमने आगे से लिया है अगली बार हम उसको पीछे से लेंगे। इसको हमने आगे से लिया था, अब हम इसको पीछे से ही लेंगे। इसे पीछे से लिया था और इसे अब आगे से लेंगे। और एक हमारा फंदा है, इसको हम ऐसे ही बीन के निकालेंगे। अब देखिए हमारी ये उल्टी रो है और ये फोर्थ रो है, इसको हम पूरा सीधे उल्टे ही बीनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, एक ही डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम अगली बार इसको फिर से जब बनाएंगे तो एक इसी तरह से निकालेंगे। और इसमें हमने आगे से निकाला था तो हमारी जो फिफ्थ रो होगी उसमें हम फिर से वही करेंगे कि जो आगे वाला है उस आगे वाले को पहले बीनेंगे। तो देखिए एक ये बेल से जाएगी, एक बेल ये तैयार हो चुकी है, दूसरी बेल ये बन रही है। अब हम इसको पहले बीनेंगे, आगे से बीनेंगे और इसे हम पीछे से लेंगे। तो फर्स्ट में जो रो शुरू हुई थी उसी तरीके से फिफ्थ रो में भी वैसा ही बनाएंगे, फर्स्ट रो की तरह। ये हमारी फिफ्थ रो है। और इसे हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए दो बेल ये बन चुकी हैं, इसे हम पूरा उल्टा ही बीनेंगे, उल्टी बिनाई को सीधे उल्टे ही बीनेंगे। तो उल्टी रो में पूरी कर चुकी हूँ, अब इसको हम ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए हमने पिछली बार इसमें इसको आगे से बीना था, अब हम इसको पीछे से बीनेंगे। एक बार बेल बनती है और एक बार बंद होती है बेल, बहुत सुंदर ये पैटर्न लगता है। तो इसे हमने पीछे से बीना है, अब हम इसको आगे से बीनेंगे। अब ये बेल खुली हुई है, अब ये बेल बंद होगी तो इसको हम पीछे से करेंगे, पीछे से बीनेंगे और इसे आगे से बीनेंगे।
तो देखिए ये बेल इस तरीके से बनेगी। इसको हम पीछे से लेंगे। इसे आगे से, इसे पीछे से, इसको हम सीधे बिनेंगे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर ये दिखाई देता है, एक डिब्बे से इसमें दिखाई देते हैं, डिज़ाइन दिखाई देता है। ये डिज़ाइन इस तरीके से बन के आता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए ये चार सिलाइयों में ये डिज़ाइन तैयार होता है और चार चार करके आप इसको बनाते जाइए और चार फंदों पर ही ये डिज़ाइन बनता है।